पशुपति व्रत कैसे करें, संपूर्ण विधि और कब करें उद्यापन, क्या खाएं, शाम की पूजा कैसे करेंगे, आपकी थाली में क्या क्या होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा व्रत है। ये मात्र 5 सोमवार किए जाते हैं, 5 दिन का ये व्रत है। और भक्तों को सबसे पहले तो ये जानना है कि भूखा रहना है या कुछ खा लेना है, प्रसाद में क्या क्या हो, कैसे आप दिया जलाएं, ताकि आपके जो मनचाही मनोकामना है, चाहे वो कैसी भी मनोकामना है, वो पूर्ण होती है। तो पशुपति नाथ की कथा शिव महापुराण और रुद्र पुराण में भी वर्णित है। पशुपति नाथ व्रत की सबसे पहले हम जानते हैं संपूर्ण विधि, फिर हम कथा भी आपको बताएंगे। देखिए, पशुपति व्रत करने का सबसे मेन कारण है शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। कैसे करेंगे व्रत? रुद्र पुराण और शिव महापुराण में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पशुपति नाथ जी का व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और श्रावण में अगर आप करें शुरू करें तो बहुत अच्छा। पशुपति नाथ जी का व्रत करते समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वस्थ धुले हुए साफ कपड़ों को धारण करें और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय का खूब जप करते रहें, यानी पूरे दिन आपको ये मंत्र जप करते रहना है। पूजा की थाली जो सबसे मेन है इस व्रत में, क्योंकि तमाम राज पूजा के ही करने के तरीके में छिपे हैं, तो पूजा की थाली में आप कुमकुम यानी कि जिसको हम रोली कहते हैं, अबीर गुलाल भी आप ले सकते हैं, चंदन, थाली में चावल रखिए थोड़ा सा जो टूटा फूटा हुआ ना हो, धतूरा अगर मिल जाता है तो अच्छा है, और आंकड़े का पुष्प यानी मदार का पुष्प भी रखिए। अब ये एक और भी प्रश्न आपके मन में होगा कि पूजा सामग्री तमाम चीज़ें एक साथ लेना बहुत कठिन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी चीज़ प्रसन्न आपके पास नहीं है, क्योंकि भोले बाबा हमसे प्रसन्न तो हो हमेशा हो जाते हैं एक लोटा जल से ही, लेकिन इस व्रत को करने की जो विधि है उसको उसका पालन आपको करना चाहिए। जिस तरह से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी तरह से शिव जी अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने का के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना, लेकिन एक लोटा जल भी अगर हम श्रावण के महीने में प्रेम से अर्पित कर दें तो वो उनसे ही प्रसन्न है। अब देखिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे पूजन की सामग्री क्या क्या होगा और कैसे करेंगे पूजा। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर होती है, हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई अधिक कर्ज के बोझ तले दबा है, वैवाहिक जीवन सही नहीं है, तो इस व्रत को आप रख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई शुभ मुहूर्त खास दिन की आवश्यकता नहीं है। तो नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि सोमवार का दिन ही हो। मन मुताबिक अगर फल पाना चाहते हैं तो विधि विधान से ही कीजिएगा। पूरे 5 सोमवार तक इस व्रत को किया जाता है, तभी इसका फल आपको मिलता है। हर व्रत के तरह इसके भी नियम हैं। इस व्रत के सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उन्हें बिलपत्र और पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनेगा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर, तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। और सुबह के समय आपको ये पूजा करना है और शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आपको मीठा वस्तु बनाना है। मीठी चीज़ में आप हलवा भी बना सकते हैं और 3 बराबर हिस्से कर लीजिएगा। एक हिस्सा अपने लिए निकाल लें, बाकी का 2 हिस्से को भोलेनाथ को अर्पित कर अपनी मनोकामना बोलिए। शाम को मंदिर जाते समय भोग के साथ 6 आपको दिया लेकर भी जाना है। याद रखिए, घी का दिया होगा और उसमें 5 दीपक पूजा करने के बाद शिव जी के सामने जलाकर रख दें।
और एक दीपक, 6 दीपक आपको लेकर जाना है, लेकिन 5 दीपक आपको शिवजी के सामने जलाकर रख देना है, और जो एक दीपक बचा उसको आप घर ले आइए। और जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, याद रखिए जब आप मंदिर से आ रहे हैं घर, तब जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ घर के अंदर, आप बाहर में दाहिने हाथ की तरफ दिए को प्रवेश करने से पहले आप जलाकर रख दीजिए। याद रखिए घर के दरवाजे के सामने दाहिने साइड, जब आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ होगा। इसके बाद आप घर के अंदर आ जाएं। जब आप व्रत खोलिएगा तो उस प्रसाद के एक हिस्से को आप ग्रहण कर लीजिए। व्रत को लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है, और इसके बाद जो 4 सोमवार के बाद 5वें सोमवार को पूजा के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को एक नारियल चढ़ाइएगा। जब 5वां सोमवार आएगा, याद रखिए शिव जी को 108 बिलुपत्र या 108 चावल यानी अक्षत के दाने ध्यान से चुन के रख लीजिएगा, बिना टूटा फूटा हुआ, अर्पित कर दें, और 6ठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, या फिर आप जो भी आपको समझ में आए उस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और विस्तार से आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पूजा की सामग्री लें, बिलपत्र लें, और सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय का जप करते हुए पहुँच जाएँ। अब शिव जी जहाँ पर आप पूजा करेंगे, पहले शिवलिंग के जितना भी पहले से पूजा किया हुआ सामग्री सबको साइड कीजिए, शिव जी को अच्छे से जल अर्पित कीजिए और तमाम वस्तु अर्पित कीजिए, पहले जल फिर बिलपत्र फिर जल। शिवलिंग पर अभिषेक सबसे ऊपर भाग पर जल डालकर ही करना है, याद रखिएगा। जलाधारी में कोई भी आपने जो भी प्रसाद आपने श्रद्धापूर्वक बनाया है जलाधारी में मत रखिएगा। बहुत के मन में होता है कि बेलपत्र पूजन सामग्री का अभिन्न भाग है, तो ऐसे में देखिए पहले से अर्पित किया हुआ बेलपत्र भी आप धोकर फिर से शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं मिलता है तो। अब पूजा करने के बाद आप, जैसा हमने कहा कि आपको शाम के समय जब आप प्रसाद लेकर जाइएगा, एक भाग घर में अपने लिए रख लें, 2 भाग शिव जी के मंदिर में लेकर जाएं और 6 दिए लेकर जाएं। 5 दिए मंदिर में जलाएंगे और 1 दिया घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ आप जलाएंगे। अब पशुपति व्रत में आपको उपवास करने का नियम भी करना है, जैसे कि हमें भोजन का ध्यान भी रखना है। सुबह सुबह आप फलाहार ले सकते हैं और शाम को आप भोजन ग्रहण, जो आपने प्रसाद है उसको खा सकते हैं। भोजन के पूर्व उसे प्रसाद का वह भाग लेना चाहिए जो घर में आप लाए थे, और इसमें आप अन्य लोगों को भी अपने घर में उस प्रसाद को दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि शिव जी को पंचामृत जरूर अर्पित करना है और 5 दिया जरूर अर्पित करना है। इच्छाएं बोलना है। कितने दिन रखेंगे व्रत? देखिए कम से कम 5 सोमवार तक इस व्रत को रखना है, और इस 5 सोमवार से अधिक आपको व्रत नहीं रखना है, याद रखिएगा। सफलतापूर्वक 5ों व्रत कर लीजिए, और जो 6ठा सोमवार है भक्तों को उद्यापन करने की विधि आरंभ इस दिन करनी है। उद्यापन के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, पूजा की थाली जो तैयार करके रखें। थाली में 108 वस्तु रखिए, मूंग के दाने या चावल के दाने या मखाने, याद रखिए 108 की संख्या में तीनों में से कोई भी एक चीज़ रखना है। इसके बाद आप सुबह से शाम तक पशुपति जी के व्रत का पूजा करें, और दक्षिणा में 11 रुपया जरूर रखिएगा, याद रखिए। प्रसाद ज़्यादा बनाइएगा इस दिन ताकि सबको आप बांट सकें। अब मान लेते हैं कुछ विषम परिस्थिति में सोमवार का व्रत रख रहे हैं, पशुपति व्रत रख रहे हैं, तो आपको बाधाएं आ रही है, तब इस व्रत को अगले सोमवार पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि महिलाएं हैं तो उनका पीरियड का टाइम होता है, तो आप मान लेते हैं 2 किए हैं तो तीसरा नहीं कर पाए, तो चौथे में आप तीसरे की गिनती करके कर सकते हैं। सबसे बड़ा है मन। मन में किसी भी तरह का लोभ, लालच, ईर्ष्या जैसी चीज़ें मत लाइएगा जब आप व्रत रखते हैं, और प्रेममय हो जाइए तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल जब अर्पित कीजिएगा, उसके बाद पूजा पाठ करके आरती जरूर करें, और आरती आप करने के बाद जैसे कि आपने पूजा पाठ कर लिया, आपकी कामना पूर्ण हो गई, तो लोगों को भी बताएं
कि आप पशुपति व्रत आप कीजिए, क्योंकि जितने लोग आपके कहने के बात करेंगे आपको भी उनके पुण्य का फल मिलेगा। पशुपतिनाथ जी का जब आप व्रत करेंगे तो इसकी कथा भी सुनने का विधान है। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है, जो भक्त पशुपति जी का व्रत कथा श्रवण करता है, व्रत करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और कहानी कथा में एक और चीज़ है कि एक समय की बात है, जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे, उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति विपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने तीनों लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था, इस समस्या का निदान केवल शिवजी कर सकते हैं, इसलिए शिवजी को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। लेकिन जब शिवजी ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते देखा तो शिव नदी में छलांग लगा देते हैं और छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के चार टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपति जी की व्रत पूजा करने का विधान शुरू हो गया। हम आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।